चप्पल में चले गए पानी पूरी खा लिए, ऑडिटोरियम में बहनों से मिल लिए, हमारा बाइट कब होगा? हम पूछे भैया पूछो क्या पूछना है, हमसे कहा दीदी इंदौर छोड़ो पटना की बताओ। पटना में क्या हुआ दीदी पहले ये बताओ। अंग्रेजी में एक कहावत है वुल्व्स हंट इन पैक्स, मतलब वुल्व क्या होता है? भेड़िए जब शिकार करने निकलते हैं अकेले नहीं निकलते, सबके सब झुंड बनाकर निकलते हैं। लेकिन भेड़िया ये नहीं जानता कि शेर का शिकार होना और जिस शेर पर बेटियों का माताओं का बहनों का आशीर्वाद हो उस शेर का भेड़िए शिकार करने के संभव है। लेकिन अद्भुत जोड़ी बनाई है पटना में। जोड़ी कैसी? कहते हैं भाई भाई है, दोस्ती दोस्ती है, शंकर भैया और अचंभित हो जाएंगे। कल कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी में पटना में बड़ा भाईचारा था, केरल में कांग्रेस के अध्यक्ष को कम्युनिस्ट पार्टी ने जेल में डाल दिया। कल पटना में बड़ा भाईचारा था, ममता दीदी लालू जी के पैर छू रही थी। अरे हम तो संसद में सेवा देते हैं, जानते हैं कि लालू जी का कच्चा चिट्ठा निकाल कर लालू जी को भ्रष्ट नेता घोषित करने वाली स्वयं ममता दीदी थी। कल पटना में बड़ा याराना था, लेकिन बंगाल की राजनीति जो जानते हैं वो जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ममता बंदोपाध्याय के बाल खींचकर सड़क पर उन्हें घसीटा ताकि वो बोल ना पाए। कल बड़ा याराना था, मुफ्ती साहिबा में, राहुल जी में, फारूक अब्दुल्ला जी में। इसलिए आज पूछना चाहती हूँ बड़ी विनम्रता से गांधी खानदान से, धारा 370 हटाई नरेंद्र मोदी ने, बदलाओ तुम भारत के संग हो या धारा 370 के बदलाओ। राम मंदिर बन रहा है बदलाओ, तुम प्रभु राम के संग हो या उनके जो प्रभु राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाकर एफिडेविट दर्ज करते हैं। बताओ बताओ कि जिनका हाथ सना है कार्यकर्ताओं के खून से, जो घोटाले में चारा तक जल जाते हैं, उनसे कब तक राजनीति कर पाओगे? बताओ। अरविंद जी का अपना अद्भुत खेला है, मैच शुरू हुआ नहीं बॉल पकड़ के बैठ गए, कहीं जब तक हमारी बात नहीं सुनोगे तब तक हमें मैच खेलने नहीं देंगे। हालत यह है विपक्ष की कि नेताजी से सुबह पूछा गया एनसीपी के कि साहब बताइए क्या होगा, एनसीपी के साहब ने कहा जो होगा देखा जाएगा। तीसरे साहब से पूछा गया साहब बताओ जेडीयू के कि क्या होगा, बोले जो होगा देखा जाएगा। अरविंद बाबू से पूछा बताओ क्या होगा, अरविंद बाबू ने कहा मेरा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अरे अपना घर संभाल नहीं सकते, हिंदुस्तान क्या खाक संभालेंगे? इसीलिए हिंदुस्तानी 2024 में भी घर के बाहर आएंगे, वोटिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएंगे और पुनः मोदी को देश का प्रधान सेवक बनाएंगे।